हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज फॉर द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। फर्स्ट फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, सेकंड टॉप व्यू, थर्ड साइड व्यू। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू दिया है, इट मींस आइसोमेट्रिक व्यू दिया है, और इसका यूज करके हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, इट मींस टू डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन में क्या ड्रॉ करने के लिए कहा है, देखो क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, और क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखो ये यहां पे एक्स दिया है, तो इधर से देख के हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ये कंफर्म है। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि हमें इधर से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप लेफ्ट साइड से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो राइट साइड से देख के आपको साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, और टॉप व्यू के लिए तो ऑब्वियसली आपको ऊपर से ही देख के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो अब हम ये ऑब्जेक्ट को, ये थ्री डायमेंशनल व्यू को हम यहां पर इसका यूज करेंगे और ऑर्थोग्राफिक व्यू इट मीन्स टू डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन बना के रखे हैं, तो ये हमने एक्स वाई लाइन बनाए और ये परपेंडिकुलर एक्स वन वाई वन हमने एक्सिस बनाए हैं। और अब यहाँ पे रिमेनिंग कुछ लाइंस हमने बनाए हैं, देखो यहाँ पे कुछ हमने लाइंस बनाए हैं। तो ये जो लाइंस है वो इसलिए बनाए हैं ताकि वो एक्सिस से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे आपका टू डायमेंशनल व्यू बने। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करेंगे उसमें जो हम ब्लैक कलर के पेन से जो बनाएंगे वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, और जो कुछ भी हम यहाँ पे रेड पेन से ड्रॉ करेंगे वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए आप एच या एच बी पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आप 2H या 4H पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम टू डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करेंगे और हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है, और हमें ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो अगर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहां कहां पे बनेगा। देखो ये रेफरेंस लाइन है, तो जाहिर सी बात है रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा और रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। ठीक है, लेकिन साइड व्यू कहां बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के साइड व्यू होते हैं, एक राइट हैंड साइड व्यू और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हमेशा राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का रूल है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इसका उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको साइड व्यू का पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, तो एक्जैक्टली साइड व्यू कहां कहां पे ड्रॉ करना। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पोजीशन भी चेंज होता है। तो यहां पे हमें इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए इधर से देख के हम फ्रंट व्यू बना रहे, तो जो फ्रंट व्यू आप देख रहे वो लेफ्ट साइड से देख के बनाएंगे, ठीक है, और साइड व्यू आप राइट साइड से देख के बना रहे, इसका मतलब आप राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कर रहे। तो राइट हैंड साइड व्यू अभी फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा, ये कंफर्म है। राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, तो यहां पे साइड व्यू आएगा, ये कंफर्म। ठीक है, तो यहां पे फ्रंट व्यू आएगा, देखो यहां पे फ्रंट व्यू आएगा, तो फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा टॉप व्यू होता है। तो फाइनली ये हमने चेक कर लिया है कि कौन सा व्यू कहां कहां पे बनेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू आप लेफ्ट साइड से देख के बना रहे इसलिए वो राइट साइड में बनेगा, और साइड व्यू आप राइट साइड से देख के बना रहे इसलिए वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहां पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो देखो फ्रंट व्यू यहां से जब आप देख रहे हैं तो कौन सा पोर्शन दिखेगा, हम सबसे पहले उसको शेडेड कर लेते हैं। शेडेड करने से क्या होगा, आपको ड्रॉ करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो यहां से जब हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो हमें क्या क्या पोर्शन दिखाई देगा, देखो ये जो सर्फेस है ये सर्फेस हमें पूरा दिखाई देगा, और ये जो सर्फेस है देखो यहां पर एक ट्राइंगल ऐसा एक क्रिएट हो रहा है, ये सर्फेस हमें दिखाई देगा। तो हम इसको पहले शेडेड कर लेते हैं, तो ये देखिए जो पोर्शन हमें लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है वो पोर्शन हमने शेडेड कर लिया है, और अब हम इसको यहां पे एज ए 2D व्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो ड्रॉ करते समय सबसे पहले इसका बेस चेक करो क्या है, तो इसका बेस रहेगा 40 और इसका हाइट कितना है देखो 30। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां बनेगा, तो हम यहां लेंगे बेस 40 और हाइट लेंगे हम 30। तो चलो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, और अब हम डायरेक्टली यहां पर डार्क कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहां से यहां तक 40 बनाए और ये 30 बनाए।
ठीक है। और अब देखो यहां से ऊपर से इधर से ऐसा हॉरिजॉन्टली 15 हमें ले लेना है, यहां से ऐसा हॉरिजॉन्टली 15, तो ये हम यहां पे हॉरिजॉन्टली 15 ले लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमने 15 ले लिया है। और अब आपको क्या करना है, यहां से इसको इधर ऐसा ज्वाइन करना है इंक्लाइंडली, इट मीन्स वो स्लाइडिंग सर्फेस है तो वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइंड है तो ये देखिए, और ये हमने सीधा डार्क बना दिए। ओके, तो जो पोर्शन हमने यहां पे शेडेड किया है वो पोर्शन हमने यहां पे एज अ 2D व्यू ड्रॉ कर लिया है, लेकिन यहां पे ये जो ट्रायंगल है वो भी हमें यहां पे ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो ये कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर और ये पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेगा, तो यहां से आपको हाइट लेना है कितना 15 का, और इसका विड्थ क्या है तो वो भी 15 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है यहां से हाइट लेंगे 15 और इसको इधर हम जोड़ देंगे और वो भी 15 ही रहेगा। तो ये देखिए फाइनली हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है और यहां पे हमने कुछ डायमेंशंस भी शो किए हैं, ठीक है। सभी डायमेंशंस हमने दिए नहीं, हमने बेस और हाइट यहां पे शो नहीं किए क्योंकि वो हम टॉप व्यू या साइड व्यू में हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमने पार्ट शेडेड किए थे वो शेडेड पार्ट हमने यहां पर एज अ 2D व्यू ड्रॉ कर लिया है, और अब हम फ्रंट व्यू के बाद यहां पर टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखना पड़ेगा, तो चलो ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं और ये टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या क्या पोर्शन दिखाई देगा, जो पोर्शन हमें दिखाई देगा टॉप से वो हमें पहले शेडेड करना पड़ेगा। तो हमें जो है ये देखो, ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन ये एक जो स्लाइडिंग सरफेस है ये हमें पूरा दिखाई देगा, और ये जो बॉक्स है ये भी हमें दिखाई देगा। तो चलो हम इसको पहले शेडेड कर लेते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट को टॉप से देखने पर जो भी पार्ट हमें दिखाई देगा वो पार्ट को हमने शेडेड कर लिया है, और अब उसको एज अ 2D व्यू हमें यहां पे ड्रॉ करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू के जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सभी कॉर्नर से। तो चलो हम सबसे पहले प्रोजेक्टर्स यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड पैरेलल टू ईच अदर चाहिए, और ये बिल्कुल फेंट आपको ड्रॉ करना है। फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 2H या 4H पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट्स को हमने वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट कर लिया है, और अब हम यहां पे टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू का बेस और हाइट क्या रहेगा वो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। टॉप व्यू का बेस उतना ही रहेगा जितना फ्रंट व्यू का बेस था, और टॉप व्यू का हाइट वो रहेगा जो साइड व्यू का बेस है। देखो इसके लिए हम आपको एक रिलेशन लिख के देते हैं, इसके पहले के भी सभी प्रॉब्लम्स में हमने वो रिलेशन बताए थे। वो रिलेशन अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप के प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का बेस और हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। देखो रिलेशन हम यहां पर लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर आपके पास ये नहीं लिखा है तो आप अभी के अभी नोटपैड में लिख के रखो। देखो रिलेशन ऐसा है कि अगर देखो जितना फ्रंट व्यू का बेस रहेगा उतना ही टॉप व्यू का बेस होता है, ठीक है, और जितना फ्रंट व्यू का हाइट होता है उतना साइड व्यू का हाइट होता है, ठीक है, और जितना साइड व्यू का बेस होता है उतना टॉप व्यू का हाइट होता है। देखो ये रिलेशंस अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप के प्रॉब्लम में आसानी से फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का बेस और हाइट निकाल सकते हैं। देखो जितना फ्रंट व्यू का बेस उतना टॉप व्यू का बेस, तो यहां पे फ्रंट व्यू का बेस हमने लिए थे 40 और हाइट लिए थे 30, तो फ्रंट व्यू का बेस अगर 40 लिए थे तो टॉप व्यू का बेस भी 40 ही बनेगा, ठीक है, तो टॉप व्यू का बेस 40। अब टॉप व्यू का हाइट कैसे मिलेगा, तो टॉप व्यू की हाइट के लिए आपको साइड व्यू का बेस चेक करना पड़ेगा। देखो जितना साइड व्यू का बेस रहेगा उतना ही टॉप व्यू का हाइट रहेगा। देखो साइड व्यू आप राइट साइड से देख के ड्रॉ कर रहे हैं, तो साइड व्यू का बेस क्या रहेगा, देखो क्या है 15 15, इट मीन साइड व्यू का बेस हो गया 30, तो साइड व्यू का बेस अगर 30 है तो टॉप व्यू का हाइट भी 30 रहेगा, ये कंफर्म। इसका मतलब टॉप व्यू का बेस हमें मिल गया 40, हाइट हमें मिल गया 30, 40 by 30 का बॉक्स हमें यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि साइड व्यू का बेस और हाइट क्या रहेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। ओके, तो चलो यहां पे अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं 40 by 30 का बॉक्स, और अब ये जो हमने पोर्शन शेडेड किया है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो शेडेड जो हमने पोर्शन किया है उसमें तीन जो पार्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये पार्ट वन जो कि एक रेक्टेंगल है, ये पार्ट टू जो कि एक स्लाइडिंग सरफेस है, और ये पार्ट थ्री जो कि एक छोटा सा ये बॉक्स है, तो वो हमें यहां पर शो करना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यहां पे ये देखिए ये साइड में बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोजेक्शंस देखो यहां से ऊपर से ऐसा नीचे आ रहे हैं। देखो ये रेक्टेंगल का जो बेस है वो था यहां पे 15 और इसका हाइट है यहां पे 30, ठीक है, तो ये 15 हमने यहां ऑलरेडी बना के रखे हैं, इसके प्रोजेक्शंस यहां से नीचे आ रहे हैं, तो यहां पे बनेगा वो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यहां बनेगा, ये कंफर्म है। तो चलो वो हम यहां पे ये जो इधर साइड का जो उसका जो एज है वो हम यहां पे डार्क कर लेते हैं,
तो ये यहां पे बन जाएगा, ये देखिए ये हमने बना लिए, ओके ये रेक्टेंगल हमने बना लिए। और अब स्लाइडिंग सरफेस, तो स्लाइडिंग स्लाइडिंग सरफेस आपको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, ये जो थर्ड बॉक्स जो है ये बॉक्स यहां पे ड्रॉ कर लो। जब आप ये बॉक्स यहां पे ड्रॉ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्लाइडिंग सरफेस जो है ये स्लाइडिंग सरफेस यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉक्स यहां पर बनेगा कहां पर, तो ये बॉक्स जो है नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, तो यहां पर ये ऊपर बनेगा क्योंकि ये जो टॉप व्यू है इसमें ये जो बॉक्स है ये ऐसा ऊपर साइड में है। देखो ये नीचे का साइड, ये ऊपर का साइड, तो अगर ये बॉक्स ऊपर के साइड में है तो यहां पे भी ये ड्रॉ करते समय ये ऊपर साइड में बनेगा। ठीक है, क्योंकि इधर के साइड का जो कॉर्नर है वो यहां पे आ रहा है। ठीक है, और ये इधर के साइड का जो कॉर्नर है वो यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये ऊपर के कॉर्नर से लग के है तो ये यहां पे ये बॉक्स बनेगा। ठीक है, 15x15 का बॉक्स रहेगा, ये देखिए ये 15 और ये 15 ऐसा। ठीक है, और इसके प्रोजेक्शन जो है वो यहां से आ रहे, देखो, तो यही प्रोजेक्टर्स पे हमें ड्रॉ करना है। तो चलो हम वो ड्रॉ करेंगे, काफी सिंपल है। 15x15 यहां पे हमें शो करना है, तो ये कॉर्नर से हम इधर 15 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर से हमने 15 यहां पे ले लिए और यहां से ये देखिए यहां से एक हॉरिजॉन्टल बना देंगे और ये यहां से एक वर्टिकल बना देंगे, तो ये बॉक्स जो है वो यहां पे क्रिएट हो जाएगा। देखो ये बॉक्स यहां पे बन गया और ऑटोमेटिकली जो जो स्लाइडिंग सरफेस है वो भी यहां पे बन चुका है। ठीक है, ये जो स्लाइडिंग सरफेस है जो हमने यहां पे शेडेड किए थे वो यहां पे ये देखिए ये ऑटोमेटिकली बन चुका है। ओके, ये जो हमने यहां पे एफवी और टीवी फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखा है ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए अभी लिखा है। ठीक है, बाद में हम इसको मिटा देंगे, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो ये देखिए टॉप व्यू में जो भी पार्ट हमने शेडेड किए थे वो पूरा हमने यहां पे एज अ 2D व्यू यहां पे ड्रॉ कर लिया है, बस कुछ डायमेंशंस हम यहां पे शो कर लेते हैं। तो ये देखिए डायमेंशंस हमने शो कर लिया है और इस तरह से ये टॉप व्यू पूरा कंप्लीट हो गया। और अब साइड व्यू की तरफ चलते हैं, चलो देखते हैं साइड व्यू कैसे बनेगा। तो साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहां पर सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर्स यहां पर लेके आएंगे, फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टली ले आएंगे पैरेलल टू XY, और टॉप व्यू के सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर जो है वो सबसे पहले परपेंडिकुलर टू X1 Y1 आएंगे, फिर यहां से हमें रोटेट करके फिर इसको हमें ऐसा वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहां पे रोटेट भी कर सकते हैं, या तो ये पॉइंट से आप एक 45 डिग्री इंक्लाइंड एक यहां पे लाइन बना सकते हैं, फिर टॉप व्यू के सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉलेज में रोटेट करके प्रोजेक्ट करना बता रहे तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो, या अगर आपके कॉलेज में 45 डिग्री एंगल लेके अगर आपको प्रोजेक्ट करना बता रहे तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो चलो हम यहां पे साइड व्यू के लिए प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए साइड व्यू के लिए हमने सभी प्रोजेक्शंस यहां पे ला लिए हैं और ये प्रोजेक्टर्स आपको फेंट ड्रॉ करना है फेंट पेंसिल का यूज करके। और अब यहां पे साइड व्यू का बेस और हाइट क्या रहेगा, तो साइड व्यू का बेस और हाइट के लिए हमने देखो रिलेशन जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। साइड व्यू का बेस हमने इसके पहले टॉप व्यू के टाइम निकाले थे, तो देखो साइड व्यू का बेस यहां पर देखो आप राइट साइड से देख के साइड व्यू बना रहे, साइड व्यू का बेस है 30 और साइड व्यू का हाइट कितना रहेगा, तो जितना फ्रंट व्यू का हाइट है तो फ्रंट व्यू का हाइट था 30, तो साइड व्यू का हाइट रहेगा 30। इट मीन साइड व्यू जो है वो 30x30 के एक स्क्वायर बॉक्स में हमें शो करना है। ठीक है, जितना फ्रंट व्यू का हाइट, देखो जितना फ्रंट व्यू का हाइट उतना साइड व्यू का हाइट, ठीक है, और जितना टॉप व्यू का हाइट उतना साइड व्यू का बेस। ठीक है, तो यहां पे टॉप व्यू का हाइट था 30 और इसको जब हमने ऐसा रोटेट किए तो साइड व्यू का बेस भी हो जाएगा 30, तो 30x30 का एक यहां पे हम स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हमें ड्रॉ करना है पूरा इसका 2D व्यू। लेकिन यहां साइड व्यू में क्या क्या पोर्शन आएगा वो हम पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि जब हम राइट साइड से देखेंगे ये ऑब्जेक्ट को तो जो पार्ट अब बचा है वो साइड व्यू में आएगा। देखो फ्रंट व्यू के टाइम हमने ये पार्ट को शेडेड किए थे, टॉप व्यू के टाइम हमने ये पार्ट को शेडेड किए थे, और अब जो पार्ट बचा है वो पार्ट जो है वो साइड व्यू में आएगा। तो बचा पार्ट है देखो ये सिर्फ, देखो ये एक जो बॉक्स है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है बस ये पार्ट बचा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देख रहे हैं तो ये पार्ट दिखाई देगा, तो ये साइड व्यू में आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन एक और पार्ट है जो साइड व्यू में आएगा वो क्या है, तो देखो ये जो स्लाइडिंग सर्फेस है, ये स्लाइडिंग सर्फेस साइड व्यू में आएगा। ये जो स्लाइडिंग सर्फेस है ये कॉमन पार्ट है टॉप व्यू और साइड व्यू के लिए। ठीक है, टॉप व्यू के टाइम हमने इसको शेडेड किए थे तो ये पोर्शन जो है वो साइड व्यू के टाइम भी दिखाई देगा, तो इसको हमें अभी डबल शेडेड करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि ये एक पोर्शन और ये एक पोर्शन, ये दो पोर्शन हमें बस यहां पे साइड व्यू में ड्रॉ करना है। तो चलो वो हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। 40x30 का बॉक्स जो है, सॉरी 30x30 का बॉक्स हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने जैसा कहा
ये एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा 30x30 का। तो ये जो हम यहां बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने की वजह से हम सिर्फ एक स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करेंगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके तो बिल्कुल करेक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने एक बॉक्स बना लिए है 30x30 का बॉक्स, इसके अंदर अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो हमने जैसा कहा सिर्फ दो पार्ट जो है यहां पर हमें ड्रॉ करना है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो ये जो बॉक्स है छोटा 15x15 का, तो इसके लिए प्रोजेक्शंस कहां से आ रहे, देखो ये देखिए यहां पे है वो बॉक्स, देखो ये है वो बॉक्स, ठीक है। तो टॉप व्यू से इसके प्रोजेक्शंस ऐसे आ रहे हैं, देखो ये इस तरह से, ठीक है, और फ्रंट व्यू से इस तरह से आ रहे, देखो यहां पे मिल जाएंगे, यहां पे अगर मिलेंगे तो यहां पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो चलो वो बॉक्स जो है वो हम सीधा सीधा यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, और ये एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा क्योंकि 15x15 है, तो जाहिर सी बात है ये एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा। तो ये देखिए, ये हमने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, और ये सेकंड पार्ट इट मींस ये जो स्लाइडिंग सरफेस है ये हमें अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो हमने ये जो 15x15 का बॉक्स बनाया इसके वजह से ऑटोमेटिकली यहां पे स्लाइडिंग सरफेस बन चुका है, हमें अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली साइड व्यू में जो दो पार्ट आ रहे थे वो दोनों पार्ट हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए, और ये साइड व्यू हमने कंप्लीट कर लिए। देखो यहां पे हमने एक डायमेंशन भी शो किए हैं, फ्रंट व्यू का हाइट हमने शो नहीं किए थे वहां पे, तो ये हमने साइड व्यू में शो किया है, और कोई डायमेंशन स्पेशली शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड व्यू का बेस जो है वो उतना ही रहेगा जितना टॉप व्यू का हाइट है। तो यहां पर हमने वो शो किया है, अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, तीनों व्यू जो है वो हमने ये कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इधर से देख के फ्रंट व्यू ड्रॉ करना था, तो वो ये है। टॉप व्यू और साइड व्यू भी ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो ये देखिए टॉप व्यू और साइड व्यू हमने दे दिए, और सभी डायमेंशन हमने ये दे दिए। क्वेश्चन में डायमेंशन सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इस टाइप के डायमेंशन हमेशा मिलीमीटर में होते हैं, तो ये हमने मिलीमीटर में ही यहां पर सभी को शो किया है। तो फाइनली सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।